खबर है भदोही से। संयुक्त टीम ने किया जिला कारागार व महिला स्वाधार गृह का औचक निरीक्षण। महिला बैरक में रंगाई पुताई साफ सफाई करने का जिला जज ने दिया निर्देश। संयुक्त टीम के कारागार में निरुद्ध बंदियों व महिला स्वाधार गृह के बच्चियों से किया गया आत्मीय संवाद। जी हां, महिला स्वाधार गृह में मौजूद बच्चियों के समग्र विकास पर संयुक्त टीम ने दिया बल। आपको बता दें, भदोही 27 जून जिला जज विजेंद्र कुमार शैतल, जिलाधिकारी आर्य काकोरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिबा खातून, सिविल जज आर्य अंसारी ने संयुक्त रूप से जिला कारागार एवं महिला स्वाधार गृह ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की। संयुक्त टीम ने जिला कारागार में बंदियों का हालचाल जाना एवं उनके आहार के बारे में जानकारियां प्राप्त की। इसी के साथ ही जिला जज ने जेल प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। संयुक्त टीम ने पाकशाला में तैयार अरहर की दाल, कद्दू सब्जी, रोटी, चावल की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। संयुक्त टीम ने पुरुष महिला एवं विभिन्न बैरकों में जाकर बंदियों से मूलभूत सुविधाओं व व्यवस्थाओं की जानकारियां ली। साथ ही टीम महिला कैदियों से संवाद करते हुए उन्हें व बच्चों को बिस्कुट चॉकलेट का भी वितरण किया। जिला जज ने महिला बैरक में रंगाई पुताई व साफ सफाई करवाने के लिए जेल अधीक्षक को दिए निर्देश। जिला कारागार में तीन बंदी राजेश, विकास, ऋषभ की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव जाने पर उन्हें अलग बैरक में रखकर चिकित्सायी सुविधा एवं खान पान में विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि प्रतिदिन बेडशीट बदली जाए, वहीं चिकित्सा अधिकारी एडमिट प्रत्येक बंदी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। संयुक्त टीम ने जेल के विभिन्न बैरक, पाकशाला, अस्पताल, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। बंदियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा पूरी तरीके से लिया गया। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट।